आज मैं आपके लिए एक मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन लेके आया हूं, और वो क्या है आपका, आपका डायमेंशन की हेल्प से किसी फॉर्मूले को ड्राइव करना, डिड्यूस करना, ठीक है ना। डायमेंशन की हेल्प से किसी फॉर्मूले को डिड्यूस करना। अब इस क्वेश्चन में है क्या, ठीक है ना, क्वेश्चन में गिवेन है आपके पास कि एक वेलोसिटी वी है, द वेलोसिटी वी ऑफ अ वाटर वेव डिपेंड्स ऑन वेवलेंथ। जो पानी की वेव है उसकी वेलोसिटी जो है वो किस पर, वेवलेंथ पर डिपेंड कर रही है, क्वेश्चन में गिवेन है, डेंसिटी पर गिवेन कर रही है, और एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी, स्मॉल जी पर डिपेंड कर रही है। आपको करना है डिड्यूस बाय द मेथड ऑफ अ डायमेंशन द रिलेशन बिटवीन दीच क्वांटिटी। आपको यानी कि वेलोसिटी नंबर वन, नंबर टू वेवलेंथ, नंबर थ्री आपका डेंसिटी, और नंबर फोर ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, इन सब का आपको क्या करना है कि रिलेशन बनाना है। चलिए, मैंने आपसे क्या कहा था, सबसे पहले आपको नहीं मालूम है तो आप डायरेक्ट पावर एबीसी लगाते हैं, कैसे, लेट क्या करें, वी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा की पावर ए, वी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रो की पावर बी, और वी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जी की पावर सी। इकट्ठा कर लेते हैं तो v इक्वल टू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल की साइन क्या लगाते हैं, k, और ये क्या k एक डायमेंशन लेस क्वांटिटी, पता है आपको, लैम्डा की पावर a, रो की पावर b और g की पावर c। ये आपकी एक मेन इक्वेशन बना दी है मैंने आपकी, और इसको आपको याद रखना होता, कैसे बनाई समझ में आ गया होगा, कैसे, जो कि मैंने सबको लेट कर लो, लेट v की पावर v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ की पावर a, हमें नहीं मालूम कितनी होगी, बस पावर a है, कुछ भी हो सकती है। V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेंसिटी की पावर V, ठीक है सर, और V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू G की पावर C। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल साइन हटाएंगे तो क्या कर देंगे, कांस्टेंट कर देंगे, और K क्या है, एक K है आपका एक डायमेंशन लेस क्वांटिटी, कैसी क्वांटिटी है, डायमेंशन लेस क्वांटिटी, ध्यान रखना के कैसी क्वांटिटी है, डायमेंशन लेस क्वांटिटी। अब क्या करते हैं, अब सर हम करते हैं सबकी डायमेंशन लिख लेते हैं, जैसे कि वेलोसिटी की डायमेंशन क्या होती है, वेलोसिटी की डायमेंशन होती है, मैं लिख देता हूं आपके लिए, वेलोसिटी डायमेंशन होती है वेलोसिटी स्पीड, दोनों सेम डायमेंशन है, याद आया, और स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, वेलोसिटी इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, यानी कि एल टी की पावर माइनस वन। डन, वेवलेंथ, लेंथ कोई भी हो, डायमेंशन क्या होगी, एल, ठीक है ना, डेंसिटी रो, डेंसिटी क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम, तो मास के लिए एम और वॉल्यूम के लिए पावर थ्री, और जब पावर ऊपर जाएगी तो माइनस के थ्री। डन, और नेक्स्ट ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, कोई भी एक्सेलरेशन हो, एल टी की पावर माइनस टू, याद रट पड़ी है आपको ऑलरेडी, सब डायमेंशन लिख डाली हमने यहाँ पे, इसीलिए लिख डाली कि आपको बाद में दिक्कत ना हो। अब क्या करना है, डायमेंशन सब कहां रख देनी है, सारी की सारी डायमेंशन आपको रख देनी है, आपको कहां पर, यहां पर इक्वेशन वन में, ठीक है ना, पुट डायमेंशन ऑफ ऑल क्वांटिटी इन इक्वेशन वन। इक्वेशन वन में डायमेंशन रखो सभी क्वांटिटी की, कैसे, देखो भाई, एल टी की पावर माइनस वन, वी की रख ली, अब के तो डायमेंशनलेस क्वांटिटी है, लैम्डा एल की पावर कितनी, वन, और पावर कितनी लगनी है, ए, देखो जो लिखी है ए छोटी सी, ठीक है, फिर क्या है, डेंसिटी रोमेश डेंसिटी, और डेंसिटी की क्या है, एम एल की पावर माइनस थ्री की होल पावर बी, और नेक्स्ट क्या है, जी एल टी की पावर माइनस टू की होल पावर सी। इकट्ठी करते हैं एक बार, एल टी की पावर माइनस वन इक्वल टू एल की पावर ए, ठीक है ना, एम की पावर बी, एल की पावर माइनस थ्री बी, क्योंकि बी का मल्टीप्लाई होगा तो कितना जाएगा, माइनस के थ्री बी, ठीक है ना। अब देखो कितनी आएगी, एल की पावर, एल की पावर हो जाएगी आपके पास सी, देखो यहां से सी की मल्टीप्लाई, एल की पावर सी, और टी की पावर माइनस के टू सी, टू सी, टू सी, चलो भाई डन। अब देखो, एल टी की पावर माइनस वन इक्वल टू
यहाँ पर एल की और कितनी है, एक एल जी को ए और कहीं और भी है सी, ए प्लस सी, क्योंकि मल्टीप्ले पावर जुड़ जाती है ए प्लस सी। एम की पावर कहीं एम अकेला है बी, और एल की पावर, एल के ऊपर एक और भी दिख रही है यार मुझे, तो इकट्ठी कराओ ना पहले, एल की पावर ए माइनस थ्री बी, ठीक है ना, एल एक जे है और एक एल जे भी है, ठीक है ना, और एक एल जे भी है, तो प्लस सी। अब ठीक है, एम की पावर बी और टी की पावर माइनस टू सी, डन। समझ में आ गई बात, एम एन एम तो एक ही जगह था इसलिए बी कर दिया। अब करो कंपेयर, कंपेयर पावर बोथ साइड, कंपेयर करा दो, एम की पावर कितनी है यहाँ पर बी, और यहाँ पर बी है ही नहीं, तो बी इक्वल टू सबके पास आ गया जीरो, देख गया, क्योंकि एम की पावर है ना। चलो मैं आपको लिख देता हूँ कंपेयर फॉर, फॉर एम, चलो भैया एम के लिए कंपेयर कराओ, एम के लिए यहाँ कितनी है जीरो, और यहाँ कितनी है एम की बी, तो बी की वैल्यू निकल आई कितनी, जीरो। अब किसकी कंपेयर कर रहे हैं, देखो अब किसकी कंपेयर कर रहे हैं, अब हम कंपेयर करेंगे आपकी किसकी, टी की, टी की कंपेयर करें, कितनी है टी की, फॉर टी, तो टी की कितनी है यहाँ पर माइनस वन, और यहाँ पे कितनी है माइनस के टू सी, कट गया, सी इक्वल टू कितना निकला वन अपॉन टू ब्रैकेट में वन, सी की वैल्यू निकल आई। आप किसकी करें, फॉर एल, फॉर एल, चलो भाई एल के लिए कंपेयर कराते हैं पावर, कितनी है यहाँ पर वन, यहाँ पर ए माइनस थ्री बी प्लस सी, वैल्यू पुट करो वन, एक जगह पर ए रखो, बी की वैल्यू ऑलरेडी पता है जीरो, तो माइनस जीरो प्लस वन बाई टू, वन इक्वल टू ए प्लस वन बाई टू, और इधर उसको उधर भेज दो तो कितना जाएगा, वन माइनस वन बाई टू कितना होता है वन बाई टू बचेगा, तो ए इक्वल टू कितना निकल के आया, डायरेक्ट लिख देता हूँ ए इक्वल टू वन अपॉन टू, भैया ए भी निकल आया वन अपॉन टू। अब क्या करना है, ए बी सी की वैल्यू कहाँ पुट करनी है, इस एक क्वेश्चन में पुट वैल्यू ऑफ ए बी सी कहाँ पर, इन इक्वेशन, किस इक्वेशन में, इन इक्वेशन ए, वैल्यू कहाँ रखनी है, इन इक्वेशन ए में पुट वैल्यू ऑफ ए बी सी, इन इक्वेशन कैपिटल ए में पुट कराओ। चलो भाई कराते पुट, कैसे पुट करें, v इक्वल टू k लैम्डा की पावर वन बाई टू, कितनी लिखी है a, और एक वैल्यू कितनी है वन बाई टू। नेक्स्ट रो की पावर जीरो, किसी की पावर जीरो होती है वैल्यू कितनी होती है वन होती है, ठीक है ना, रो की पावर जीरो, और नेक्स्ट कितना है g की पावर v वन बाई टू है, देखो कैसे दिख रही है वन बाई टू, यहाँ देखो जो वन बाई टू लिखी हुई है, c इक्वल टू वन बाई टू, और c लिखा है, तो v इक्वल टू कितने आया k अंडर रूट लैम्डा g, जी आपका आंसर हो गया, और जी आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, आपके के वी वगैरह के एग्जाम में पक्का आता है, ठीक है ना। समझ में आई बात, एकदम बहुत अच्छी तरह समझ में आ गई होगी, और समझ में आ गई तो क्या करना है, लाइक शेयर करना भी हो कराना भी है, ठीक है ना, जब शेयर हो जाएगा तो सब्सक्राइब तुम कर ही लोगे, तो फिर क्या करना है, सब्सक्राइब करना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय बच्चों।